हाय, बहुत दिन बाद आज फिर से और एक वीडियो में लेके आ चुका हूँ। तो यहाँ पर देख सकते हो एशियन की शूज अनबॉक्सिंग एंड रिव्यू करने वाला हूँ। तो बॉक्स की जो क्वालिटी है ना, काफ़ी अच्छा बॉक्स इस बार डिलीवर हुआ है और बॉक्स की जो कलर कम्बिनेशन है ना, ब्लैक और रेड, बहुत ही बेहतरीन किया गया है। सबसे पहले यहाँ पर कुछ इन्फॉर्मेशन मैं आप लोगों को बता देता हूँ। ये जो शू है ना, मैंने 9 साइज बाय किया था और इसका जो प्राइस है ना, बहुत ही ज़्यादा है, 1799 रुपी। लेकिन इतना तुम लोगों को बिल्कुल भी पेमेंट करना नहीं होगा। कितना पेमेंट करना होगा वीडियो में मैं ज़रूर बता दूंगा। और इसका जो आर्टिकल नंबर है ना, कार्निवल 02। तो अब मैं इस शू को कर लेता हूँ ओपन। तो ओपन करने के साथ साथ यहाँ पर एक एशियन की पेपर देखने को मिल जाता है। और देखो यहाँ पर जो व्हाइट कलर का शू है ना, काफ़ी प्यारा लग रहा है मेरा हाथ पर, यहाँ पर देख सकते हो। दूसरे शू को भी मैं निकाल लेता हूँ। तो ये रहा दोनों शू, सच में बहुत ही प्यारा लग रहा है। और ये एक हाई टॉप स्नीकर है। कुछ दिन पहले ही एशियन ने इस शू को लॉन्च किया था, लेकिन मेरा पिन कट पर ये जो शू है ना, अवेलेबल ही नहीं था, हमेशा आउट ऑफ स्टॉक दिखाता है। तो काफ़ी प्यारा शू है, सच में हाथ पर पकड़ते फील हो रहा है, बहुत ही बेहतरीन शू इस बार एशियन ने बनाया है। तो इसके लिए तो एक थम्स अप मैं ज़रूर दे सकता हूँ। तो यहाँ पर देख सकते हो ये जो शू है ना, इसका वेट उतना ज़्यादा नहीं है। यहाँ पर हाइट ऑफ स्नीकर के हिसाब से लाइट वेट यहाँ पर रखा गया है। और इसका जो कलर कम्बिनेशन देख सकते हो, हर जगह पर व्हाइट कलर देखने को मिल जाता है, यहाँ पर नीचे थोड़ी सी ग्रे कलर की टचअप देखने को मिल जाता है। और यहाँ पर ब्रांडिंग भी उतनी जगह देखने को नहीं मिलता है। एशियन की शू की दोनों साइड पर ब्रांडिंग देखने को मिल जाता है और पीछे एक ब्रांडिंग देखने को मिल जाता है। तो ये भी मुझे अच्छा लगा है। और टांग पर भी थोड़ी सी ब्रांडिंग देखने को मिल जाता है। इस शू में देखो सिंथेटिक लेदर का यूज़ किया गया है। तो ये जो सिंथेटिक लेदर है ना, इसकी क्वालिटी भी मुझे ठीक लगा है। और शू की जो लेस की क्वालिटी है ना, लेस की क्वालिटी तो काफ़ी बेहतरीन है, लेकिन हाइट ऑफ स्नीकर में यहाँ पर थोड़ी सी मोटा सा लेस दे देता तो मुझे और भी ज़्यादा अच्छा लगता। और इस शू का ना काफ़ी कुछ बहुत ही बेहतरीन किया गया है, जैसे कि कॉलर है ना, यहाँ पर जो बहुत ही ज़्यादा पैडिंग किया गया है, तो यहाँ पर देख सकते हो आप लोग। तो पहनने की बात काफ़ी ज़्यादा कंफर्टेबल तो ज़रूर फील होगा। और टांग के अंदर भी बहुत ही ज़्यादा पैडिंग किया गया है, तो पैड में पहनने की बात दर्द तो नहीं होगा। यहाँ पर टांग के ऊपर एशियन की लोगो देखने को मिल जाता है, टांग के पीछे कुछ इन्फॉर्मेशन देखने को मिल जाता है। यहाँ पर एशियन की लोगो देखने को मिल जाता है, मेड इन इंडिया लिखा हुआ है। और यहाँ पर डिफरेंट कंट्री का साइज भी देखने को मिल जाता है। और यहाँ पर देख सकते हो लेस की जो होल है ना, यहाँ पर कोई भी मेटल रिंग तो यूज़ नहीं किया गया है, लेकिन यहाँ पर एक्स्ट्रा एक लेदर की पैच यूज़ किया गया है। इससे क्या होता है, थोड़ी सी ड्यूरेबिलिटी ज़्यादा हो जाता है। तो ये चीज़ भी मुझे अच्छा लगा है। और शू की सामने की डिज़ाइन देख सकते हो, यहाँ पर डॉट डॉट सी एक डिज़ाइन देखने को मिल जाता है। तो ये सिर्फ और सिर्फ डिज़ाइन ही है, और दोनों साइड पर भी डॉट डॉट डिज़ाइन देखने को मिल जाता है। और ये जो शू है ना, इस शू का स्पेसिंग भी मुझे काफ़ी ज़्यादा ठीक लगा है। और इस शू का एक छोटा सा पुल टैप भी देखने को मिल जाता है। और यहाँ पर देखो इस टाइप की जो, इसे क्या बोलते हैं एक्चुअली मुझे नहीं पता है, आप लोगों को पता है तो कमेंट में मुझे ज़रूर बता देना। ये जो चीज़ है ना, एक होल्डर है, तो ये चीज़ मुझे उतना ज़्यादा खास पसंद नहीं आया। यहाँ पर एक नॉर्मल सी प्लास्टिक का यूज़ किया गया है, यहाँ पर एक मेटल यूज़ कर देता तो काफ़ी ज़्यादा अच्छा हो जाता। फिर भी इस प्राइस पॉइंट में ये जो शू है ना, काफ़ी बेहतरीन किया गया है। अब मैं बात कर लेता हूँ शू की जो सोल की बारे में। तो सोल यहाँ पर देख सकते हो, एक रबर सोल यूज़ किया गया है। और सोल की जो हाइट है ना, ये भी ठीक ठाक हाइट है, नॉर्मल हाइट यहाँ पर देखने को मिल जाता है। यहाँ पर एक लाइनिंग पैटर्न भी देखने को मिल जाता है। और शू की जो की जो डिज़ाइन है ना, काफ़ी ज़्यादा अच्छा है और बहुत ही बेहतरीन डिज़ाइन यहाँ पर देखने को मिल जाता है। तो पर नीचे देख सकते हो ग्रे कलर की और एक लेयर यूज़ किया गया है, ये भी रबर का है, स्लिप तो बिल्कुल नहीं करेगा, पैटर्न मुझे काफ़ी ज़्यादा अच्छा लगा है। और आप लोग भी देख सकते हो कैसा है पैटर्न, मुझे कमेंट में ज़रूर बताना। और शू के अंदर बहुत सारा पेपर भी है, तो मैं बाहर निकाल लेता हूँ। और अंदर एक मेमोरी फॉर्म यूज़ किया गया है, तो एशियन की ज़्यादातर शू में मेमोरी फॉर्म तो यूज़ करता है। तो यहाँ पर देख सकते हो एक रेड कलर की एक मेमोरी फॉर्म यहाँ पर यूज़ किया गया है। तो मेमोरी फॉर्म काफ़ी अच्छा होता है एशियन की, ये जो मेमोरी फॉर्म है ना, ज़्यादातर शू में एशियन यूज़ करता है, मुझे भी ये मेमोरी फॉर्म काफ़ी ज़्यादा पसंद है। तो चलो अब मैं इस शू को पहन लेता हूँ, पहनने की बात कैसा लगता है मैं आप लोगों को ज़रूर बताऊँगा। तो देखो यहाँ पर शू पहनने की बात कैसा लग रहा है आप लोग मुझे कमेंट में ज़रूर बता देना। मेरा पैर पे ना उतना ज़्यादा अच्छा नहीं लग रहा था, ठीक ठाक लग रहा था। एक्चुअली मैं थोड़ा सा पतला हूँ, तो इस टाइप की जो हाइट ऑफ स्नीकर है ना, मेरा पैर में ये जो शू है ना, उतना फिटिंग नहीं आ रहा था।
फिटिंग का मतलब ये नहीं आपकी पैर में अच्छा नहीं लगेगा। देखो मेरा बॉडी का हिसाब से मुझे उतना अच्छा देखने में नहीं लग रहा था, लेकिन इसका अंदर बहुत ही ज़्यादा पैडिंग किया गया है, काफ़ी ज़्यादा कंफर्टेबल शू है, कोई भी प्रॉब्लम मुझे देखने को नहीं मिलता है। लेकिन आप लोग हाई टॉप स्नीकर पहले पहनते नहीं हो तो एक प्रॉब्लम आप लोगों को हो सकता है, वो है इसका जब आप इसे पहनेंगे ना तो थोड़ी सी प्रॉब्लम हो सकता है, थोड़ी सी टाइम लग सकता है, तो आप ध्यान से पहनना। ओके, मुझे भी काफ़ी सारा टाइम लगा था, और मेरा एक दोस्त को पहना था, उसका पैर में काफ़ी ज़्यादा असर लग रहा था, उसका बॉडी थोड़ी सी फिट फाट था, इसलिए उसका पैर में मेरी हिसाब से मेरा पैर के हिसाब से ज़्यादा असर लग रहा था। तो इस शू को आप लोग बाय कर सकते हो, इस शू का जो MRP है ना अंडर 1000 में आप लोगों को मिल जाएगा अमेजन या फ्लिपकार्ट के ऊपर। तो ये जो शू है ना, इस शू की लिंक मैं हमेशा की तरह इस बार भी डिस्क्रिप्शन में लिंक प्रोवाइड कर दूंगा। तो आप इस टाइप की वीडियो देखना पसंद करते हो तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर सकते हो। मैं आप लोगों से मिलूंगा नेक्स्ट और एक वीडियो में।